There's only one term that. है ना? हेलो भाई, क्या किया भाई? इतना सारा हिस्सा मैंने बाहर निकाल के फेंक दिया और एक टर्म है। अगर टू एन से अबव बाउंडेड है और एन से लोअर बाउंडेड है। सो इन आवर थेटा नोटेशन दिस समेशन इज थेटा ऑफ जिसको मैं सम कर रहा हूँ, पहले अब उनका डिफरेंस आया है, कुछ डिफरेंस आया। मुझे सेटिस्फेक्शन कैसे होगी कि ये ठीक है? मैंने तुम्हें कहा है अगर उनके दरमियान में कांस्टेंट का फर्क है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एक कांस्टेंट हमारी जो एल्गोरिथम की नोटेशन है उसमें कांस्टेंट मैटर नहीं करते। अगर कोई एल्गो एन में चल रहा है, एक 2 एम में चल रहा है, एक 100 एम में चल रहा है, ये सारे सारे सेम। नहीं नहीं सर, मैं जैसे यहां पे कर रहा हूं, हमारे पास यहां लोअर बाउंड आई है और अपर बाउंड आई एन लॉग है। जब एन लॉग है पहले जब हमने मुझे पता लग जाए कि ये गलत है, ये गलत है। एक छोटी सी बात, मैं आपको थोड़ी सी हिट बताऊं। आपकी जो एल्गोरिथम की जबान में अगर मैं कहूं तो व्हेनेवर यू सी ए अरिथमेटिक सीक्वेंस, whenever you see an arithmetic sequence, usually आपकी जो अपर बाउंड होती है वो कट होती है और आपकी जो लोअर बाउंड होती है वो हाफ इंटीग्रल होती है। ओके, बट इफ इट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इफ इट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड इंक्रीजिंग बाय ए फैक्टर, बाय फैक्टर ऑफ सम रेशियो, तो उसमें क्या होता है? यूजली इट इज बाउंडेड बाय द लास्ट टर्म। लास्ट मीन्स द लार्जेस्ट टर्म। क्योंकि अगर मैं इसी चीज को उल्टा लिखूं, क्या देख रही हूं? व्हाट इफ कि मैं यहां पर इसको उल्टा लिखूं, कि मैं इसे एन से शुरू कर दूं, फिर मैं एन बाय टू कर दूं, फिर मैं एन बाय फोर कर दूं और करता करता मैं वन कर ले। दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। ओके, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिटन इट जस्ट फ्रॉम द अदर डायरेक्शन। दिस इज ऑल्सो थीटा ऑफ। Okay? You pass it right? You take n common, बाउंड्री गलत नहीं हो सकती, वो सेंसलेस हो सकती है कि बहुत बड़ी हो, लेकिन वो बाय वर्ड गलत नहीं हो सकती अगर वो। हाँ, वो गलत इस वजह से उसको। और ये बेसिक प्रिंसिपल है जो मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है? ये प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए हमने वो गलत नहीं है, गलत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि दरमियान में गैप काफी, हमने काफी ज्यादा गैप छोड़ दिया, लेकिन हमने वो नोटेशन में ये कहा है कि जो हमारी थिएटर नोटेशन है उसमें अगर लोअर और अपर सेम फंक्शन से बाउंड हो गई है तो हम कह रहे हैं वही हम एकदम परफेक्ट होगी। वो हमने कह दिया हमारे लिए वो परफेक्ट, हमारे लिए इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, लुक, सो लेट मी ट्वीक अ लिटिल and the tweak is the following. Acha, main ise erase karta hu, hai one sare khamosh hai, three square, ye four tha, ye kitna ho? Three square na itna ho, then batao na eight kitna ho? Three square kitna ho? Nine. Ab main three cube kar leta hu, ye kitna ho gaya? 27 4 है, 9 है, 8 है और ये 27, right? Sir, 42 terms or values? मैं values पर। Values नहीं चल बढ़ी। नहीं,
खामोश नीचे वाली बटे ना सब वेट अ मिनट ऊपर बैठ कैसे कैसे बैठ गया And here it makes a huge difference. This is n by 2, this is n by 3. और अगर हमारा बॉक्स आपको याद हो तो बॉक्स में अगर ये पहली दफा जब हमने शेड किया था वो ये किया था, दूसरी दफा हमने हाफ शेड किया था, बट इस केस में हम इसका हाफ नहीं वन थर्ड शेड करेंगे, और जब वन थर्ड शेड करेंगे तो जो पिछली दफा रिमेनिंग था वो वन बाय टू था, अब जो रिमेनिंग होगा वो टू बाय थ्री होगा. So the remaining part will be even larger. So लोग अक्सर ही कहते हैं शायद ये 3n से कम हो, नहीं जी नहीं, ये भी less than 2n. और इवन मैं 3 की जगह 4 कर दूं, वो भी less than 2n ही होगा. अगर मैं 5n कर दूं, वो और भी छोटा हो जाएगा. तो 2n of course आप भी बाउंड है. ये बात समझ? अब मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, तो फिर भी वो less than 2n ही होगा. Does it make sense? N of क्या? What will be this summation? Our A की बॉक्स का नाम हो जाएगा. ये हमारा A की बॉक्स का नाम. क्यों? Because the largest term is n by 2. और इसके twice से कम हमारा sum रहना है. Which means the sum will be less than 2 times n by 2. Which is n. Okay? जी, let's check. क्या वट विल बी दिस समेशन इन लेस टूटी शाबाश एक्सलेंट वट अबाउट वट अबाउट दिस This will be run how much time? कैसे? One जब पहले बार चलता है one cost फिर one cost फिर one cost फिर one cost n दफा one add होता है that comes out to be n. Okay? इस line की cost है n. Okay? Come here now. This comes out to be ये लोगों पर y पे dependent है. ये पहले दफा चलता है तो one दफा चलता है. जब दूसरी दफा चलता है तो वो one plus one दफा.
जब वो तीसरी दफा चलता है तो वो वन प्लस वन प्लस वन कर सकता है, और करते करते अगर मैं देखूं तो ये वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन दिस इज वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस एन, हाउ मच इज दिस? This is theta of n square. Okay? The total complexity is, this is theta of n square, this is n, the total complexity is n square. Theta of n square plus theta of n, that is equal to theta of n square. Okay? What about this stuff? Hello, bhai. जी यहाँ पे क्या देगा? One added how many times? N squared times. What about this? N squared summation जाएगा. ये one से लेकर n squared का summation जाएगा. There are how many terms in this? The total number of terms are n squared. And the complexity will be how much? N squared times n squared, that is equal to theta of n. Okay? Does it make sense? Are you lost? मैंने भी ऐसे शुरू नहीं किया. Just discrete math in the end. What about this? Multiply group. This will run 1 plus 1 plus 1. How many times? Log n. So log n times. हाँ जी. I की value इतनी तो जा रही है, लेकिन चलता है कितनी दफा? One. जब भी चलता है एक और आती है. जब चलता है एक और. ठीक है? जी. जब भी चलता है एक और आता है. I की different value के लिए चल रहा, लेकिन चार cost तो एक आ रही है ना. ठीक है? और ये जब चलता है. ये पहले दफा चलता है एक दफा, दूसरी दफा चलता है एक जमा एक दो दफा, फिर हो गया वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन के आई की तमाम एलसीएम से. तो सो प्लस ये कितना आएगा? वन प्लस वन प्लस वन, ये हो जाएगा एन टाइम्स, ये हो जाएगा फोर टाइम्स, ये हो जाएगा टू टाइम्स, ये वन टाइम. व्हाट इज दिस? वन प्लस टू प्लस फोर से लेकर एन तक ये कितना बनता है? हाँ, एन स्क्वायर बनता है. अब भाई ये कितना बनता है? व्हाट इज दिस इक्वल टू? कितना बनता है? लॉग टू एन. यार ये अभी भी नहीं किया हमने. ज्योमेट्रिक सीरीज का क्या होगा? अभी हमने क्या प्रूव किया था? ये इसे जब पिछली टर्म होगी तो कितनी होगी? n / 2 होगी. n log n कहां से आ गया भाई? ये लूप की इस लाइन की एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी है, इस लाइन की एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी है. तो ये कितनी है? ये n है. तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? n log n. और भाई एक बात याद रखो, कभी भी कॉम्प्लेक्सिटीज को मल्टीप्लाई नहीं करते. हर लाइन की कॉम्प्लेक्सिटी अपने निकलती है और सबको ऐड अप करते हैं. यहां पर तुम देखो ये हर दफा आई की डिफरेंट वैल्यू के लिए चल रहा है, तो उसकी वजह से वो ऐड अप हो जाता है. अगर मैं यहां पर फॉर एग्जांपल ये देखिए प्लीज, ये बात और देखिए, व्हाट इफ के मैं यहां पर एन लिख देता. अब आपको पता है कि ये एन दफा चल रहा है, तो अब क्या होगा? ये देखिए, अब भी एडिशन ही होगी, लेकिन अब इसकी जगह ये चीज हो जाएगी. ये पहली दफा भी जब चलता है तो कॉस्ट आती है n, जब दूसरी दफा चलता है तो फिर दोबारा कॉस्ट आती है n, और जब तीसरी दफा चलता है तो दोबारा कॉस्ट आती है n. ये n कितनी दफा ऐड होगा? यदि ना ऊपर वाला लूप से चला रहा है जो कि कितना है? log n है. अब ये बनेगा n log n. अब ला कैसे ला कैसे ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन मल्टीप्लाई एज सच नहीं हो रही. ऊपर वाले की अलग कॉम्प्लेक्सिटी है, नीचे वाले की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मैंने उतनी दफा ब्लॉक बना के लिखे. यहां पर भी लॉग एन ब्लॉक्स है, लेकिन इन लॉग एन ब्लॉक्स का जो सम बनता है वो कितना बनता है हमें पता है, वो एन बनता है. ठीक है? क्योंकि वो ज्योमेट्रिक सीरीज है, और ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है वो किसी बराबर होती है?
उसके बाद
क्योंकि वो एक्सपैंड भी हो रहा है, एक्सपैंड बाय फैक्टर ऑफ ए. ओके, व्हाट डज दिस मीन बाय ए? लुक एट दिस, मैं अब इसकी अब एक्सपेंशन बना रहा हूं. ठीक है, सो आई स्टार्टेड विद दिस. ओके दानिया, कितनी कॉल्स इससे निकलेंगी? शाबाश, इसमें से एक कॉल्स निकलेंगे. Everybody agreed with it. अच्छा, ये बात सुनो. इसका मतलब हर प्रॉब्लम का साइज कितना होगा? T n by b. Okay? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Look at this. इस स्टेप पे कॉस्ट कितनी आई है? N to the power c. Okay? ये किस में सिस्टम आपके लिए N to the power c? ये कोई भी कॉस्ट, जैसे मर्ज सॉर्ट के केस में हमने देखा था ये सिर्फ n थी. ठीक है, बहुत सारे सिनेरियो तो नॉट देखे जिसमें यहां पर n नहीं होगा, ये शायद n स्क्वायर होगा, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ये हम रिकर्सिव प्रोग्राम बनाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जिसको मैं भी कुछ जेनेरिक फॉर्म बना रहा हूं. ठीक है, लुक नाउ, लुक एट द फॉलो. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज द फॉलो. इसके एक इंस्टेंस पे कॉल पे कितनी कॉस्ट है? अब n की वैल्यू कितनी हो गई है? n by b, और cos आ गया n की पावर c, तो कितना हो जाएगा? n by b की पावर c. Do you all agree? ये एक नोड पे cost है, ये एक नोड पे cost है. And there are how many nodes है? A node. Everybody understand? So एक नोड पे cost है n over b की पावर c. Okay, let me write down here. n by b की पावर है c टाइम्स a. डू यू ऑल एग्री? मैं काम करता हूं n टू द पावर c को मैं अलग कर देता हूं. देयर इज क्वेश्चन मैथ कैलकुलेशन करवा. सो दिस विल बिकम n टू द पावर c डॉट a बाय b की पावर c. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट क्वांटिटी एंड द सेकंड क्वांटिटी? वो एक्चुअली ये n की पावर c है, ये क्या है? फ्रैक्शन है, वो मल्टीप्लाई अंदर सी है, साथ मल्टीप्लाई हो गया ए ओवर बी टू द पावर सी. ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट टर्म. ओके, इससे कितने बच्चे निकलेंगे? ठीक है, ए इससे कितने निकलेंगे जी? इससे भी निकलेंगे. इससे कितने निकलेंगे? ए. इससे कितने निकलेंगे? बोले बैक, टोटल बच्चे कितने हैं? एक बंदा है, ठीक है, वो 10 रोटी खाते हैं और 10 बंदे तो 100 रोटी खाएंगे ना, 10 तो नहीं खाएंगे, है ना? 10 बंदे हर एक से 10 ब्रांच निकल रहे हैं, 10 बंदे और 10 से 10 ब्रांच निकल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस अगले लेवल पे कितनी होगी? 100. सो इफ यू लुक एट दिस, ये टोटल जो स्पैन होगा वो कितना होगा? वो होगा ए स्क्वायर. डू यू ऑल एग्री? अच्छा, हर प्रॉब्लम साइज कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा एन बाय बी की पावर क्या? 2 सी. एन की पावर बी नहीं है बल्कि एक्चुअली क्या है? एन ओवर बी नहीं है बल्कि एन ओवर बी ओवर बी है, क्योंकि आप जो प्रॉब्लम हो जाएगा उतना हो जाएगा, इसका भी ओवर बी हो जाएगा, व्हिच मींस ये एन ओवर बी स्क्वायर की पावर सी आएगा. डू यू ऑल एग्री? लुक एट दिस, ये हो जाएगा एन बाय बी स्क्वायर की पावर हो जाएगी सी. कैन आई राइट दिस थिंग एज हाउ मच? एन टू द पावर सी टाइम्स ए स्क्वायर ओवर बी टू सी. ये बढ़िया, आपने फॉर सीयर है आपने सी का फॉर सी नहीं कर पाए भाई. हर एक के ऊपर कॉस, हर एक का प्रॉब्लम साइज कितना है? वो आपने फ्रैक्शन के ऊपर एक मिनट को ये n बाय b है ना, जो अगला प्रॉब्लम होगा वो होगा t ओवर n ओवर b ओवर b व्हिच मींस b स्क्वायर. ओके, ऑलराइट, एवरीबॉडी इज विद मी? ठीक है, n ओवर b स्क्वायर प्रॉब्लम साइज है और जो टोटल कॉस्ट आनी है इसके ऊपर इस साइज के पावर c आ. ओके नाउ लुक, हां क्या टू n बाय b, ये n पावर, सॉरी इस पावर c कर, ये बात सॉरी, थैंक यू. ऑलराइट, यू कैन सी ए पैटर्न है, ये था n की पावर c,
ये था n की पावर c टाइम a ओवर b c, ये क्या है n की पावर c टाइम a स्क्वायर b की पावर 2c. कैन यू सी ए पैटर्न? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? ये होगा n की पावर c by n to the power c.
अच्छा एक बड़ी छोटी सी ट्रिक होती है लॉग में, वो होती है कि अगर मैं यहाँ पर लिखा हुआ ना a की पावर लॉग b, तो हम एक काम कर सकते हैं इस b को और a को स्वैप कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, n नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, दिस बिकम n टू द पावर c टाइम क्या हो जाएगा टाइम्स n की पावर लॉग बेस b, और यहाँ आ जाएगा a ओवर b टू द पावर c, ठीक है? इससे छोटी सी मैथ से ये देखो, उसके बाद मैं करता हूँ एक और लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग a ओवर b, दैट इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है? यहाँ पे कोई ये कितना होने वाला है n टू द पावर c जी, कैन आई राइट दिस थिंग एज n की पावर लॉग बेस b a माइनस लॉग b बेस b b टू द पावर c, ठीक है? चलिए जी, क्या होगा n टू द पावर c, ये होगा n की पावर लॉग बेस b a इनटू, ये मैं दोनों को बस अगर a अगर किसी x की पावर a प्लस b हो तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर a इनटू x की पावर b, ठीक है? तो वही मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, बस इसमें माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दूंगा, और ये होगा लॉग बेस b, और ये भी b की पावर c है तो उसमें क्या होता है c नीचे आ जाता है, और log base b b जो होता है वो कितना होता है 1 होता है, that comes out to be minus, ठीक है? अच्छा ये देख, ये इससे कट गया, क्यों? क्योंकि n की पावर माइनस c है, ये नीचे हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये n की पावर c से n पावर c से that comes out to be n की पावर log base b a, एक छोटी सी ये n की पावर log बेस b, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उधर आ जाए, वो सिर्फ मैंने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए हैं वो आप वो मैं नोट्स पर कर दूंगा आप देख सकते हैं, ठीक है? ये देखिए मैंने क्वांटिटी लिखी है वो लिखी n की पावर log बेस b, ठीक है? ये देखिए अब मैं a और n को स्वैप, ये क्या बनेगा a की पावर n सॉरी log log बेस b, ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है दिस इज माय एक्सपेंशन फैक्टर, दिस इज माय a, व्हाट इज a, दिस इज एक्सपेंशन से वो एक्सपेंड एंड यू नो व्हाट इज दिस a, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस log बेस b n, क्या कितने डेप्थ नीचे आए, इसका मतलब पता क्या, इसका मतलब यह है अगर प्रॉब्लम आपका इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है सो ऑल यू हैव टू कैलकुलेट इज कि तुम्हारा लास्ट लेवल पे नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, जितने होंगे उतना, ओके? और इस केस में क्या होगा, जो केस वन है अगर आपका डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपकी जो पहले लेवल की कॉस्ट है बस वही आंसर है, ओके? एंड द थर्ड केस इज कि अगर a ओवर b c 1 हो तो 1 का मतलब है ये क्वांटिटी भी 1 हो गई, ये क्वांटिटी भी 1 हो गई, ये क्वांटिटी भी 1 हो गई, सारे के सारे 1 हो गए, तो 1 एडेड हाउ मेनी टाइम, log बेस b n टाइम, एंड दैट विल बी इक्वल टू इन केस 3 n to the power c time log base b n, कि कितने डेप्थ में आप नीचे गए और मल्टीप्लाई है हर एक के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है, ओके? यस सर। अच्छा देयर इज 3 मिनट वीडियो लेफ्ट, आई विल गोइंग टू मेक ए स्मॉल वीडियो जिसमें आई विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये सारी मैंने मैथ्स किए ना, ये मैथ्स आप लोगों ने ड्राइव करनी है होमवर्क 5, ठीक है? जो इतनी मुश्किल नहीं है आपसे ज्योमेट्रिक सीरीज की, इसको यूज कभी भी हम ये इस्तेमाल उस तरह से नहीं करते, ये इतनी हम ये नहीं होते अभी रिकॉर्ड लिख के इतनी बड़ी एक्सपेंशन है, आई विल गोइंग टू मेक ए 2 मिनट वीडियो इन व्हिच आई विल गोइंग टू सॉल्व लाइक 3-4 प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ एंड आई विल बी ओनली लुकिंग एट के जो भी मेरी रिकरेंस मिली है वो मेरी ज्योमेट्रिक सीरीज डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है या रिमेन कांस्टेंट, अगर वो इंक्रीजिंग होगी तो वो आखिरी वाले लेवल पे 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 बाउंड होगी, अगर वो डिक्रीजिंग होगी तो वो पहले वाले पे कंपाउंड होगी, और अगर वो कांस्टेंट है तो पहले वाले की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय द डेप्थ एंड द डेप्थ फैक्टर इज b,
दैट विल बी अवर आंसर. थैंक यू.